तो बस कहना यही था कि हमारी गाड़ी तैयार हो रही है और हमारी ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट पड़ी है। तो अब आखिरी आखिरी के दिन है तो शॉपिंग भी पूरी होने वाली है और गाड़ी का काम भी स्टार्ट है, तो बस तैयारियां चालू है। तो आप सबकी तैयारियां कहाँ पर पहुंची? तो I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. आज 24वां रोजा है और काफी ज्यादा बोर हो रही थी तो सोचा कि ब्लॉग भी बना लूं, क्योंकि ना हमारी जो गाड़ी का काम है तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गाड़ी का काम स्टार्ट है हमारे, तो आज पूरा दिन ना जो हस्बैंड थे मेरे गाड़ी में लगे हुए थे। तो गाड़ी का और कोई काम नहीं है, खराब बराब नहीं गाड़ी, अलबत्त बस थोड़ी सी गाड़ी में जो शोर आए उनको करवाना, उनको शौक है। तो अब तक गाड़ी में कितने पैसे लग चुके हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा है ना, हर किसी की गाड़ी का नाम वगैरह देखते थे। हालांकि मेरे हस्बैंड को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। पिछले बार में हमारे पास गाड़ी थी ना तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल सिंपल लुक में रखा हुआ था, जैसे कि ये स्टिकर लगाना वो ये। अक्सर आपने गाड़ियाँ देखी होगी तो पूरी भरी हुई होती है नाम से, इससे उससे। तो हस्बैंड को ये शौक नहीं है, तो इस बार बच्चे बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि पापा हमारा गाड़ी पे नाम लिखवाओ। और एवरी ली इसीलिए सुहाना ने, ये सुहाना अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाए, बच्चे पीछे खेल पाए माशाल्लाह से। एवरी में इतनी जगह है कि सीट वगैरह फोल्ड होती है। और नाम तो आज फाइनल, तो सुहाना अपने ना नाम लिखवाने के लिए आज गई थी, तो सुहाना बताएगी। अभी तक मैंने गाड़ी में नहीं देखा कि इन्होंने क्या नाम लिखवाया था। मैं क्या नाम लिखा? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो हम तीनों सिस्टर ने हम तीनों का नाम लिखवाया है और मुझे नाम लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, डार्क पिंक वाले लगे हैं। तो आज जो नाम लिखवाने गए थे तो आधा दिन नाम लिखवाने में पड़ा, तो आज मुझे रोजा भी अकेले खोलना पड़ा। मैं और मलिया से चीजा हमारी है नहीं, वेकेशन है तो वो नानी के घर से छुट्टियां मनाने गई थी। तो बस इसीलिए आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ना मैसेज आ रहे हैं कि आपने अभी तक गाड़ी का व्लॉग नहीं बनाया। तो हम अपनी गाड़ी भी बताएंगे आपको पूरे से, अब तो गाड़ी पूरी रेडी हो जाए तो फिर मैंने कहा बताएं तो बताने का मजा भी आता है। फिर एक चीज लग जाती है, इस बार बच्चों ने अपनी जिद पूरी की है, गाड़ी का मॉडल भी बच्चों ने पसंद का है, गाड़ी में जो बोले उसका गाड़ी में चीज काम वगैरह बच्चों ने अपनी मर्जी से करवाया, तो काफी ज्यादा काम हो रहा है। तकरीबन गाड़ी आई थी उससे पहले भी पता नहीं क्या कुछ होता है, लैपटॉप से चेक वगैरह करवाना होता, वो चेकिंग वगैरह करवाई, उसके बाद गाड़ी में थोड़ा सा
ऑयल था, डीजल था, और भी काफी काम था जो तो मुझे समझ नहीं आता है। उनका तो काम नहीं थे मगर ना ये जो कि है ना मेरे हस्बैंड को जो है ना वो कहते हैं गाड़ी हो तो उनको ना इस तरह कंप्लीट रखना चाहिए। तो मैं आप सबको भी एडवाइस दूंगी, अक्सर होता लोग इस तरह करते हैं ना, गाड़ी ले लेते हैं ना, उसके बाद ना कुछ भी नहीं करते। और एक बात बताऊं, हम जिस हम सिर्फ अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखते, अपना नहीं रखते, हम अपने बच्चों का और हमारी गाड़ी का जैसा ही ख्याल रखते। आप हमारी गाड़ी देखोगे एनी टाइम साफ सुथरी होती है, गाड़ी में कोई काम नहीं होता, महीना महीने के महीने गाड़ी में माशाल्लाह से जो ऑयल होता है, जो चेंजिंग करवानी होती है वो भी चेंज वगैरह करवाते रहते हैं। गाड़ी इससे पहले कि गाड़ी खराब हो जाए, कोई काम निकले, गाड़ी रुक जाए, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा करवाते रहना चाहिए, तो अच्छी बात होती है। फिर गाड़ियों के खुलने लगते हैं इंजन, और हमारे पास माशाल्लाह से चौथी गाड़ी आई ना, तो कभी भी हमें गाड़ी ने बड़ा काम नहीं करवाया, नुकसान भी पहुँचाया। और हमने ना गाड़ी यानी कि हम एक ही साल के लिए रखते हैं फिर दे देते हैं, तो माशाल्लाह से गाड़ी ने कभी पैसे भी नहीं तोड़े। तो अक्सर लोग काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि आप गाड़ी तो ले लेते हो फिर उसके बाद आप गाड़ी क्यों बेच देते हो, गाड़ी में नुकसान होता है ये, और तो कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह से जिस तरह से हम अपनी केयर करते हैं ना, तो इसी तरह से हम गाड़ी की केयर करेंगे ना, तो कोई नुकसान नहीं होता। और ये मशीनी चीज़ें हैं यार, ये तो बस नसीब होता है, जिसका चल जाती है तो चल जाए, और जिसकी नहीं चलती है तो नहीं चलती है। अलबत् हमारे तो ना ईद के साथ साथ, ईद की शॉपिंग के साथ साथ गाड़ी पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो वेज पे भी हमने इसी तरह खर्चा किया था। तो ये गाड़ी तो माशाल्लाह से जिस बंदे ने रखी है ना, तो उसने भी बिल्कुल क्लियर रखी है, कोई काम वगैरह नहीं। अब तो अभी तो हस्बैंड कह रहे हैं कि गाड़ी की सीटें वगैरह चेंज करवाऊँ, तो जो कि सब लोग हैं मना कर रहे हैं कि गाड़ी की सीटें वगैरह चेंज ना करवाएं, बस उनको है वो अपने बच्चों से लेके अपनी गाड़ियों तक में इसी तरह ध्यान रखते हैं। बच्चों का, बीवी का थोड़ा सा केयरिंग है, हर चीज़ के मामले में पैसा लगाते, पैसा नहीं देते, तो पैसों का मतलब भरम नहीं होता यार। पता ये चीज़ें ना बाद में ना हमें तकलीफ नहीं देती, इससे पहले कि हमारी गाड़ियों का इंजन खुले या कुछ और मसले हों, गाड़ी बेचे तो हम पैसे टूटते हैं, तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा इंसान को करवा लेना चाहिए। अभी कल भी कुछ काम है गाड़ी का, तो कल फाइनल काम है गाड़ी का, तो वो हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी वॉश होगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ना सुकून से कहीं बाहर जाके, जो तो मेरी फेवरेट जगह है ना, मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पे अक्सर मैं मेले में जाया करती थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शूट वगैरह वहीं पे करती थी, टिकटॉक की वीडियो वगैरह वहीं पे बनवाते थे, तो वहीं जाके तो पूरा हम ना पूरी हम लोग ना गाड़ी की वीडियो बनाएंगे, वो जगह कौन सी है पूरी हमारी ना वीडियो दिखाएंगे। तो बस कहना यही था कि हमारी गाड़ी तैयार हो रही है और हमारी ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट पड़ी है, तो अब आखिरी आखिरी के दिन है, तो शॉपिंग भी पूरी होने वाली है और गाड़ी का काम भी स्टार्ट है, तो बस तैयारियां चालू है। तो आप सबकी तैयारियां कहाँ पर पहुंची, तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो आज का व्लॉग यही था, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत का ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो जगह है कौन सी?